मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं कि बेवा के निकाह का हुक्म इसी तरह है जिस तरह के बाकरा के निकाह का हुक्म है, क्योंकि बाज़ कौमें बेवा औरत का निकाह खिलाफ इज्जत ख्याल करते हैं और ये बद रस्म बहुत फैली हुई है। इस वास्ते बेवा के निकाह के वास्ते हुक्म हुआ है, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि हर बेवा का निकाह किया जाए। निकाह तो उसी का होगा जो निकाह के लायक है और जिसके वास्ते निकाह ज़रूरी है। बाज़ औरतें बूढ़ी होकर बेवा होती हैं, बाज़ के मुतालिक दूसरे हालात ऐसे होते हैं कि वो निकाह के लायक नहीं होती। मसलन किसी को ऐसा मर्ज़ लाहक हो गया, लाहक है कि वो काबिल निकाह ही नहीं, या एक काफ़ी औलाद और ताल्लुकात की वजह से ऐसी हालत में है कि इसका दिल पसंद ही नहीं कर सकता कि वह अब दूसरा खावन करे। ऐसी सूरतों में मजबूरी नहीं कि औरत को खामखा जकड़ कर खावन कराया जाए। हाँ, इस बद रस्म को मिटा देना चाहिए कि बेवा औरत को सारी उम्र बगैर खावन के जबरन रखा जाता है। तो आपने इसकी वजाहत फरमा दी, मजीद खोलकर बयान फरमा दिया कि पहली बात तो मुआशरे और अजीज रिश्तेदारों को यह हुक्म है कि अगर कोई शादी की उम्र में बेवा हो जाती है तो तुम लोग उसके रिश्ते की भी उसी तरह कोशिश करो जैसे बाकरा या कुंवारी लड़की नौजवान लड़की की रिश्ते के लिए कोशिश करते हो। यह तुम्हारी बेइज्जती नहीं है बल्कि तुम्हारी इज्जत इसी में है। दूसरी बात कि अगर कोई उम्र की ज्यादती की वजह से या बच्चों की ज्यादा तादाद की वजह से या अपने बाद और हालात की वजह से या किसी बीमारी की वजह से शादी ना करना चाहे तो यह फैसला करना भी उसका अपना काम है। तुम एक तजवीज़ तो दे के उसके पीछे हट जाओ रिश्ता करवाने के लिए, ना कि रिश्ता रोकने के लिए। करना रिश्ता या ना करना ये उसका अपना फैसला होगा, उसका अपना हक है, उसको बहरहाल मजबूर ना किया जाए। फिर ये कि मुआशरे को रिश्तेदारों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो ज़बरदस्ती किसी बेवा के को सारी उम्र बेवा ही रखें या उसको कहें कि तुम सारी उम्र बेवा रहो। अगर खुद अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है कोई तो कुरानी हुक्म के मुताबिक उसको शादी करने दो। किसी बेवा को शादी से रोकना भी बड़ी बेहुदा और गंदी रस्म है और इसको अपने अंदर से ख़त्म करो। एक रवायत में आता है